मेरे डैडी को मार दिया, मेरे पे क्या गुजर रही है, आप लोग नहीं समझ रहे, कुछ कीजिए सर। दादी भी आज मेरी सुबह गुजर गई इसी ट्रॉमा में, डैडी अपने बेटे का मौत नहीं सह पाई। मैं मांग करती हूँ कि हम लोगों को इंसाफ मिले, और दूसरी बात सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा उसकी किस्मत ना फूटे। मैं अश्विनी कुमार की बेटी हूँ, मेरा नाम शाश्वती श्री है। नैन्सी वो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। कोई भी इंसान कैसे कहेगा खुद की जान को खतरे में डाल के फैमिली होने के बावजूद तुम लोग जाओ और मुझे छोड़ दो यहाँ पे मरने के लिए। उन लोगों ने उनको छोड़ दिया वहाँ पे अकेले। और दूसरी बात सिस्टम को ठीक कीजिए ताकि मेरे जैसा और कोई बच्चा उसकी किस्मत ना फूटे। इस एज में सब बाकी बच्चे अपने पापा के साथ यहाँ वहाँ घूमते हैं, ये खरीदो पापा वो खरीदो, और आज मैं यहाँ पे इस टाइप का इंटरव्यू दे रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं। अभी मेरा छोटा सा भाई वो डैडी का अग्निक्रिया करेगा, मुझे भी करना पड़ेगा, कितना खराब लगता है। मेरी माँ पिछले साल मेरे नाना जी का डेथ हुआ, मम्मी इतना रो रही थी, इतने बूढ़े थे, मेरे डैडी को मार दिया, मेरे पे क्या गुजर रही है, आप लोग नहीं समझ रहे। सब भीड़ की वजह से सब हुआ, कुछ कीजिए सर। डेंगू हुआ था, डैडी को 2018 में इतना सा खून गिरा था, इतना सा, हम इतने टेंशन में थे, और आज सुबह में ये सब हुआ, अभी तक खून गिर रहा है, सुबह से अभी तक खून गिरा। आप लोग समझ रहे हैं कितना बड़ा कुछ हुआ उनके साथ। वो जब उनको दादी भी आज मेरी सुबह गुजर गई इसी ट्रॉमा में, डैडी अपने बेटे का मौत नहीं सह पाई। मैं मांग करती हूँ कि हम लोगों को इंसाफ मिले। जो लोग छोड़ के भागे बंदूक होने के बावजूद, बंदूक था, आप एक फायरिंग करते उन लोगों को सजा मिले, और जिन लोगों ने मारा है उनको भी सजा मिले। मैं ये नहीं कहती हूँ कि सिर्फ मनीष कुमार को मिले, सर्कल इंस्पेक्टर मनीष कुमार को मिले, जो इन्वॉल्व है सबको मिले, और जल्द से जल्द मिले। आश्वासन दिए हैं कि हम लोगों को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, हम लोगों को इंसाफ मिलेगा, हम लोगों का सब कुछ जो भी है उन सबको किया जाएगा, और इंसाफ की जो मांग करते हैं हम उनको पूरा किया जाएगा। मैं इंटरव्यू इसीलिए दे रही हूँ कि हमारी मांग पूरी हो, खाली ना जाए इस देश में। इंसाफ और पुलिस के लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है सर। जब महाराष्ट्र में यहाँ वहाँ पुलिस एक डंडा मारती है ना किसी गुनहगार को भी, किसी भीड़ में एक इंसान को एक डंडा मारती है, तो लोग आप लोग इतना करते हैं, और मेरे डैडी को इतना मारा उन लोगों ने, तब कहाँ थे लोग, तब उनको बचाने कोई क्यों नहीं आए। पुलिस वाले की कोई लाइफ नहीं है, पुलिस वाला सिर्फ फ्रॉड हो सकता है, रिश्वतखोर हो सकता है। मेरे डैडी ईमानदार थे इसीलिए उनको ये सज़ा मिली, ईमानदारी के बल पे, इतने दिन नौकरी करने के बाद ईमानदारी से। 5 साल पहले हमने घर लिया, उसका भी लोन नहीं दिया था, और मेरा एडमिशन उन्होंने इतना लग लग के करवाया सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पटना में। मेरे भाई बहन का अभी तक एडमिशन नहीं हुआ, देखिए कितनी छोटी सी ये बची, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कल से कल ये मुस्कुरा रही है कि सब मुझे देख के हंसेंगे। और मेरा भाई अभी वो अग्निक्रिया करेगा, अभी वो आग देगा, सोचिए कैसे देगा, बड़ा होगा तो क्या बताएंगे उसको कि पुलिस ऑफिसर भी नहीं, कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के ही लोगों ने मिलकर मार दिया डैडी को। जल्द इंसाफ हम लोगों के साथ, और ये नहीं कि सिर्फ मनीष कुमार को सजा मिले, सबको सजा मिलनी चाहिए, सबको नौकरी से बर्खास्त करें, और जिन लोगों ने मारा है उनको जेल भेजें। कैसे छोड़ के आप भाग सकते हैं कि इंस्पेक्टर को, और झूठ बोल रहे हैं, उस पर कितना विश्वास है आप लोगों को? मुझे इस देश के कानून पे भरोसा नहीं है, यहाँ पे पुलिस के लाइफ की और इंसाफ की कोई वैल्यू ही नहीं है। जब थोड़ा सा एक डंडा भीड़ को शांत करने के लिए पुलिस मारती है, तब लोग इतना हंगामा करते हैं। CBI जांच की मांग कर रहे हैं, जो भी जांच हो, मेरे डैडी को इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को तो मार दिया, मेरे डैडी के लिए इंसाफ चाहिए मुझे, CBI जांच चाहिए मुझे। मेरे भाई बहन इतने छोटे हैं, इन लोगों को हम लोग कैसे रहेंगे? मेरा नाम शाश्वती श्री उर्फ नैन्सी।